सरकार ने गुरुवार रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें 7 जिलों के नए डीएम के साथ कई अन्य ट्रांसफर भी किए गए हैं। जिन जिलों में डीएम बदले गए हैं उनमें संभल, बलिया, एटा, जालौन, अम्बेडकर नगर, हापुड़ और भदोही जिले शामिल हैं। इनके अलावा संजय आर घोष रेड्डी सहित 3 सीनियर आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए इम्पैनल हो गए हैं, जबकि आईपीएस अखिल कुमार और भानु भास्कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन प्रियंका निरंजन का जालौन का डीएम बनाया गया है, तो वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे अनुष्य अब हापुड़ के डीएम होंगे। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा आरिका अखौर भदोही के डीएम, जबकि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ संजीव रंजन अब संभल के डीएम होंगे। इनके अलावा ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के परियोजना प्रशासक सैमुअल पॉल एन को अंबेडकर नगर, जबकि हापुड़ की डीएम अदिति सिंह को बलिया का डीएम बनाया गया है। इनके अलावा अभी तक नई दिल्ली में तैनात अपर स्थानिक आयुक्त विभाग चहल को एटा का डीएम बनाया गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी के अपर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, 1989 बैच के अधिकारी देवेश चतुर्वेदी और संजय आर भूष रेड्डी केंद्रीय प्रतिनियुक्त के लिए पैनल हो गए हैं। देवेश चतुर्वेदी इस समय अपर मुख्य सचिव कृषि और संजय भूष रेड्डी अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के पद पर तैनात है। वहीं यूपी कैडी के आईपीएस अखिल कुमार और भानु भास्कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट आए हैं। एडीजी अखिल कुमार और एडीजी भानु भास्कर ने डीजीपी मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करा दी।